हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल। कि किसी स्मूथ कर्व पे जब कोई पार्टिकल ग्रेविटी के अंदर मोशन करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो आपको इससे पहले जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी का जो टॉपिक है, सॉरी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी और उसका जो टॉपिक है टेंजेंशियल वेलोसिटी या नॉर्मल वेलोसिटी, वो जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और उस टॉपिक के वीडियोज आपको हमारी प्लेलिस्ट डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल बीएससी सेकेंड ईयर के लिए यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, और इसमें हम देखते हैं कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, उसमें किसी स्मूथ कर्व पे, किसी स्मूथ कर्व पे उस पार्टिकल, स्मूथ कर्व जो कि वर्टिकल है ना, स्मूथ कर्व इन अ वर्टिकल प्लेन में जिसकी मोशन होती है वो क्या होती है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आप एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम को हम समझते हैं सबसे पहले। सो एक्चुअली ये डायग्राम वही डायग्राम है जो कि रेडियल, सॉरी टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी में यूज लेते हैं। सो हमने क्या किया कि एक कर्व लेट किया जिसमें हमने एक पॉइंट लिया, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स नॉट एंड वाई नॉट है। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट भी हम ले सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x डैश नॉट या y डैश नॉट लिख सकते हैं, बट कोई ऐसा कोई इसका मेन रोल नहीं है इसमें। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मोशन इसमें हो रहा है, वो जो मोशन हो रहा है एक्चुअली इसमें उसका जो रिएक्शन जो होता है, कि जो प्रतिक्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं, रिएक्शन जो होता है उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। ये एक्चुअली मोशन क्या होता है कि कोई भी कर्व, कर्व में हम आगे डिस्कस करेंगे, सर्कल में जो उसका साइक्लॉइड है उसमें डिस्कस करेंगे, इसकी एक पैराबोलिक मोशन भी होती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोज। एंड यहाँ पे हमको जनरल बात करना है कर्व के लिए। तो क्या होता है कि ये जो लाइन हम बात कर रहे हैं कर्व पे है, ये वाली जो लाइन है जिसको मैं एल कह देता हूं, तो ये जो लाइन है ये क्या है, इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन जो होती है ऑलवेज एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है दैट इज द टेंजेंशियल एंगल, एंड द टेंजेंशियल एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन। पूरा डिटेल में मैं आपको इसको समझाऊंगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा डेरिवेशन हम इस वीडियो में करेंगे। सो यहाँ पे ये एंगल साइन है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, साइन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंड ये जो है इसमें क्या है, इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, दिस इज आल्सो एक्स एक्सिस, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां से ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, 90 प्लस साइन होगा, सॉरी ये यहां से ना ये 90 होगा, और इसके ऊपर यहां से ये वाला जो पूरा एंगल है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द 90 प्लस साइन। इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 90 प्लस साइन हो जाएगा। अब यहां पे इस पॉइंट को मैं कहता हूं पी पॉइंट। सो लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल हैविंग एम मास, प्लेस अ पॉइंट एट टाइम टी, टी टाइम पे वो पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पे है, कर्व के इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। ए इज एनी पॉइंट ऑन कर्व हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स नॉट वाई नॉट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया एक्स नॉट वाई नॉट इसके कोऑर्डिनेट है। एंड यहाँ पे आर्क एपी जो है, ये जो आर्क एपी है इसका मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, आर्क एक्चुअली जो है उसको एक्स से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसका हम ओरिजिन ले सकते हैं। तो क्या होता है कि आपको ये देखना है कि इसकी नॉर्मल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी। ऑलवेज नॉर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन होती है उसके टेंजेंशियल वेलोसिटी या नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है। अब नॉर्मल वेलोसिटी में आपको जब भी मोशन की बात होती है तो मोशन की इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स से लिखते हैं, और फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, और उसमें आपको किसकी जरूरत होती है, एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस डायरेक्शन में अपवर्ड, यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल है, सॉरी
टेंजेंट है, टेंजेंट तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ पे नॉर्मल में जो इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन होगा दैट इज एम वी स्क्वायर बाई रो, रो दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अगर आप सर्कल लेते हैं तो सर्कल की रेडियस हो जाती है, हम यहाँ पे अगर साइक्लोड लेते हैं तो उसकी रेडियस हो जाती है, अगर यहाँ पे हम पैराबोला लेते हैं तो उसकी जो डिस्टेंस होती है उसकी एवरेज रेडियस हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ईच एंड एवरी जो जो भी कर्व होता है उनके लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल इजिली फाइंड करते हैं। इसका भी वीडियो आप हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में देख सकते हैं जिसमें हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का पूरा टॉपिक समझाया जिसमें उसका पूरा डेरिवेशन है। बट आपको अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला होता है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, डायग्राम को अच्छे से क्लियर करने के बाद में इसका डेरिवेशन करेंगे ताकि पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस कर्व का जो रिएक्शन हो रहा है, यहां से अगर स्मूथ कर्व पे पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, मान लेते हैं बी से यहाँ पे पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे स्मूथ कर्व से, उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रिएक्शन ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। ये क्या है, दिस इज रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ पार्टिकल, और वो कैसे है, नॉर्मल डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एक्चुअली ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर बाय रो होता है, तो इसको हम फोर्स कह देंगे, दिस इज द फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। सिमिलरली अगर मैं बात करूं टेंजेंट जो है, टेंजेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा एफ टी की मैं बात करूं तो एफ टी दैट इज क्या हो जाएगा, एम वी डी वी बाई डी एस। ओके, एक्चुअली जो नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है जिसको मैं ए एन से रिप्रेजेंट करता हूं, और वो क्या होता है, वी स्क्वायर बाई रो होता है, और ए टी जो है वो टेंजेंशियल के लिए है, तो टेंजेंशियल के लिए अगर मैं बात करूं तो वो होता है वी डी वी बाई डी एस। बट यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स इज द एफ इज इक्वल टू एम ए, एंड देन ए में हम यहाँ पे एक बार नॉर्मल एक्सेलरेशन लेंगे, एक बार हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेंगे। तो इन दोनों के लिए मैंने यहाँ पे जो फोर्स के फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम बात कर रहे हैं कि अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की बात हमने की नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो पार्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे की तरफ आता है ऐसे पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या होता है इसके ऊपर एम जी जो होता है डाउनवर्ड लगता है, ये भी एक तरह का फोर्स है। अब ये फोर्स इसका ये कॉम्पोनेंट, एक्चुअली दो फोर्सेज इसमें लग रहे हैं। ओके, वैसे अगर हम जनरली बात करें तो एक फोर्स इसमें नॉर्मल डायरेक्शन में है, एक फोर्स हम बात करें तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स है ना वो फोर्स किसके इक्वल है, उसके रिएक्शन के इक्वल है, ऐसा हम कहते हैं कि रिएक्शन के इक्वल है, और इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्पोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, हमको इसका कॉम्पोनेंट एफ टी डायरेक्शन, यानी कि जो अपनी टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसमें इसका कॉम्पोनेंट फाइंड करना है। उसका कॉम्पोनेंट फाइंड करने के लिए एम जी का कॉम्पोनेंट लेंगे, एम जी का घटक लेंगे यहाँ पे, तो यहां से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये लिखना है कि सो द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो मोशन की इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगी उसके बारे में बात करना है। तो मोशन की इक्वेशन कहां से स्टार्ट होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए से स्टार्ट होती है। इट मींस हमेशा ध्यान रखें कि मोशन की इक्वेशन लिखते समय मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाता है, एक्सेलरेशन दैट इज डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर, दिस इज द जनरल एक्सेलरेशन, दिस इज द जनरल एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू पी, ए टू पी में जाने के लिए इसका जनरल एक्सेलरेशन, बिकॉज व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डी टू डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे x नहीं लेके हम क्या ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज द सर्कुलर मोशन, यानी कि एक कर्व मोशन हो रहा है, उस कर्व में डिस्टेंस जो हमने s लेट किया, तो दिस इज डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा m डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट का जो एक्सेलरेशन है उसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द एम वी डी वी बाई डी एस, दिस इज द एक्सेलरेशन, This is the tangential acceleration. Okay, so now यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो tangential acceleration है, we can write, इसी को ही हम ऐसा लिखते हैं। Actually हमने जो यहाँ पे लिखा है ना, ये इसके equal ही होता है। How? यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको कहूँ कि हमने लिखा m d टू s over d t square, so we can write as d by d t, और ये क्या हो जाएगा d s upon d t. Now what is d s upon d t? That is v. ds over dt is v, and then यहाँ पे क्या आ जाएगा v dv by, यहाँ पे हमने इसको लिखा dv by dt. अब dv by dt हमने इसको लिखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, dv by dt लिखा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, यहाँ पे हम
डीएस ओवर डीएस से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे दोनों, तो यहाँ पे ये वापस क्या बन रहा है, वी बन रहा है वेलोसिटी, ओके, डीएस बाई डी टी वेलोसिटी ओवर डीवी बाई डीएस। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है ना वो इसी से आ रहा है, इसी का जनरल फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर डीएस और डीएस से मल्टीप्लाई करके, ओके, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, राइट, ओके। अब बात करते हैं आगे, यहां से हमने बात किया कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा। अब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट की बात की थी मैंने, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो आएगा वो कैसे आएगा, mg। अब ये एंगल के साथ में, इसलिए क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे, बिकॉज ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो एंगल के साथ में तो cos आ जाएगा, और cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 प्लस साइन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट हमको इस डायरेक्शन में बात करनी है, और ये डायरेक्शन mg को उधर ले जाएंगे तो ये कॉम्पोनेंट ऐसे हो जाएगा और ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी माइनस साइन में। सो वी कैन राइट एम वी डी वी बाई डी एस, ओके, दैट इज इक्वल टू द एम जी, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन साई आ जाएगा। वी नो दैट साइन साई दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स, ओके, साइन साई क्या होता है, सॉरी टेन होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन साई जो होता है ना, सॉरी दैट इज टेन साई, टेन साई जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये क्या होता है, स्लोप होती है डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अभी अपने को इतना जाना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ पॉइंट बीच में आ जाता है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूंगा साथ में। तो क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया अभी तक, हमने ये देखा कि जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, अभी हमने नॉर्मल की बात नहीं की, ओनली एंड ओनली टेंजेंशियल के बारे में बात की, तो टेंजेंशियल से हमारे पास में जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन क्या आई है, m, और अब हम ऐसे m से m कट कर सकते हैं, सो वी कैन राइट dv by dv dv by ds दैट इज माइनस ऑफ g sin sin, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। अब इस इक्वेशन नंबर वन से हमको क्या करना है, यहां से इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, और सिमिलरली वो काम किसमें करना है, हमको नॉर्मल डायरेक्शन में भी करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि नॉर्मल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड की, अब यहाँ पे इसका चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है हमको इसका, तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा कि जो साइन साई जो होता है ना, एक्चुअली ये जो साइन साई है ना, दिस इज द डी वाई अपॉन डी एस, दिस इज द डी वाई अपॉन डी एस। अब ये फॉर्मूला कहां से है, एक्चुअली ये सारी चीजें जो है वो जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ना उसमें से आती है, अवकल गणित जो है जिसको हमने फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें उसके सारे वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में है। तो ये कैसा आता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टेन साई दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अब ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, चलो मैं इधर लिख के बता देता हूँ आपको अच्छे से, यहाँ पे हम लिख के क्लियर करते हैं इसको, कि टेन साई जो होता है, टेन साई दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं बात करूं इसको ऐसे लिखूं, साइन साई ओवर कॉस साई, वी कैन राइट एज, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एस ओवर ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एस, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं, और जो साइन होता है वो डी वाई बाई डी एस के इक्वल होता है, ओके। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डी एस का डिवाइड करते हैं, ओके, तो ये क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा इसको डी वाई बाई डी एस, एंड वी कैन राइट वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी डी वाई बाई डी एस। सो नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एस से डी एस कट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ, बिकॉज दैट वॉज द फंक्शन ऑफ साइन, और साइन को हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, तो हमने इसको क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया एस में, तो यहाँ से एस का कन्वर्ट हो गया, ऑन इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास में आएगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस जी वाई प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। सो ये जो है हमारे पास में इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू इसको नहीं कहता, चलो एक काम करता हूं, हम यहाँ से इसके लिए जो कॉन्स्टेंट है इंटीग्रल कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो हमको कहाँ पे वैल्यू फाइंड करना, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट ए, ए की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि P से वो A की तरफ आ रहा है, तो A की बात करते हैं। तो एट पॉइंट ए वाई जो है कोऑर्डिनेट हमने लेट किया है कि A का कोऑर्डिनेट क्या है, x नॉट y नॉट, एंड देन ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y नॉट। अब जब y इज इक्वल टू y नॉट है तो जो वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा तो यहाँ पे लिख देना, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, इस डेरिवेशन में हम u लेट करते हैं, ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, ओके, जहां से कर्व है यहां पर आता है। तो क्या होता है कि v इज इक्वल टू यू हो जाएगा, और ये सारी चीजें हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यू स्क्वायर बाई टू
इज इक्वल टू माइनस जी वाई नॉट प्लस ये हो जाएगा सी, एंड देन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू प्लस ये हो जाएगा जी वाई नॉट। अब इसको कहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे सी की वैल्यू है जहां पे, सो दिस इज द वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी वाई प्लस ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू प्लस ये हो जाएगा जी वाई नॉट, एंड देन वी कैन राइट एज वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू एंड दैट इज द माइनस ऑफ जी, जी को हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे या फिर ओनली जी कॉमन लेते हैं यहां से, तो ये आ जाएगा जी और ये हो जाएगा वाई नॉट माइनस वाई। अब हमको ये देखना है कि वाई नॉट माइनस वाई क्या है, एक्चुअली हमको यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होगा, बिकॉज ऑफ दैट अगर मैं बात करूं वाई नॉट माइनस, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे वाई नॉट। ओके, अब वाई नॉट में से तो वाई लेस नहीं हो सकता ना, बिकॉज ऑफ दैट ये पूरी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक पूरी वाई है, और उसमें से वाई नॉट में से वाई थोड़ी लेस हो सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा वाई माइनस वाई नॉट लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को जब कॉमन लेंगे यहाँ पे तो माइनस जी कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट। अब बात करें वाई माइनस वाई नॉट की, वाई माइनस वाई नॉट दैट इज द, अब हमको यहाँ पे वाई माइनस वाई नॉट की बात करना है, वो इसकी हाइट हो जाएगी जितनी हाइट से ये आया है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहां तक है इसकी वाई, ओके वाई को हम यहाँ पे लेट करेंगे तो वाई माइनस वाई नॉट क्या हो जाएगा, उसकी हाइट आ जाएगी, ये जो कर्व जहां पे है ना वो कर्व की हाइट आ जाएगी, या फिर ये पॉइंट जहां पे है उस एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर हम फाइंड कर रहे हैं उसकी हाइट आ जाएगी। ओके, सो दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे वी स्क्वायर बाई टू माइनस ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस जी एच हो जाएगा, और इसको हमने कह दिया दिस इज द हाइट, तो ये इसकी हाइट होगी। अब हमको क्या करना है, यहां से इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ऑफ दैट हमने m पहले कट किया है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसको एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसकी वेलोसिटी यहां से निकल सकती है, हम इसको बिल्कुल इजिली फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमने क्या किया, इसको एनर्जी जो होती है एम जी एच, ओके एनर्जी की फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज द एनर्जी इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी इक्वेशन। ओके, इसको हम एनर्जी ऊर्जा समीकरण या एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं। एमजीएच जो होती है उसकी पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो उसकी बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो ये होती है। ओके, तो किसी हाइट से जब स्मूथ कर्व पे नीचे की तरफ आता है तो ये चीज होती है। अब हमने ये सारा किस पे डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया ओनली हमने किस पे डिस्कस किया जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके बेसिस पे, पर हमको किस पे बात करना है, हमको ये आर भी तो चाहिए ना, यहाँ पे इस आर का भी तो कुछ ना कुछ काम होगा ना, तो अब हम बात करेंगे नॉर्मल डायरेक्शन में। हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया और हम यहाँ पे पहुंचे इक्वेशन नंबर, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू पे हम आए और इक्वेशन नंबर टू तक हमने ओनली एंड ओनली जो हमारी टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया। सो नाउ कम टू द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, सॉरी नॉर्मल डायरेक्शन। ओके, दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन की बात करते हैं। तो नॉर्मल डायरेक्शन में जैसा मैंने आपको कहा फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, फोर्स ही तो है ना, इसके लिए हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, तो ये हमने लिखा एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए टी, ए टी मीन्स हो जाएगा ट्रांसवर्स, सॉरी टेंजेंशियल डायरेक्शन, सॉरी फॉर दैट, टेंजेंशियल डायरेक्शन में अब हम नॉर्मल की बात करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए एन हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन में। ओके, अभिलंब की दिशा में अगर मैं हिंदी में बोलू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, ये होता है वी स्क्वायर अपॉन रो, रो दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा सा इतना ही ध्यान रखना है, ये निकालने के लिए यहां से हमको इसको जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, तो आपको क्या करना है, एम जी का कॉम्पोनेंट हमने 90 प्लस थीटा लिया, अब कॉस 90 प्लस थीटा नहीं लेना, सीधा क्या लेना कॉस, सॉरी थीटा नहीं है साइन है, अब क्या आ जाएगा सीधा कॉस साइन आ जाएगा। ओके, तो जब आप इस पे से लेस करेंगे बिकॉज ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम जी कॉस ऑफ ये हो जाएगा साइन, जो कि इस आर में से लेस हो जाएगा, बिकॉज आर उस तरफ है ये इस तरफ है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आर माइनस एम जी कॉस ऑफ साइन हो जाएगा। ओके, इस टाइप से हमने इसको फाइंड कर लिया, और क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं आर माइनस ये हो जाएगा एम जी। अब आपको बताया मैंने कि कॉस साइन जो होता है वो क्या होता है डी एस एक्स बाई डी एस,
जैसा कि हमने यहाँ पे साइन साइन की जगह पे लिखा था ना डी वाई बाई डी एस, सिमिलरली हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी एक्स बाई डी एस, ये चीजें मैंने आपको बताई पहले, तो क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी एस हो जाएगा, और इधर क्या है एम वी स्क्वायर ओवर रो। ओके, अब क्या करना है हमको, इसको इंटीग्रेट करना है, तो सॉरी इंटीग्रेट नहीं करना, हाँ यहाँ पे इसको पहले हमारे पास आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो एक्चुअली हमको रिएक्शन इसमें फाइंड करना होता है, रिएक्शन कितना होता है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास में ये बन रहा है एम वी स्क्वायर ओवर रो प्लस ये हो जाएगा एम जी डी एक्स ओवर डी एस। अब हमारे पास में वी स्क्वायर की वैल्यू है, हमने वी स्क्वायर फाइंड किया है पहले, सो वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज वी स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ पे फाइंड किया ना, दिस इज वी स्क्वायर, यहां से अगर इस टू को हम इधर लाए तो ये वी स्क्वायर बन जाता है, तो इक्वेशन नंबर इसको टू लिख देता है और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री। तो इक्वेशन नंबर टू से क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू से हम जो है वो वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर टू से वी को अगर हम फ्री करते हैं यहां से, इसमें से अगर मैं बात करूं कि वी स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर दैट इज यू, वी स्क्वायर दैट इज द, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस टू एम जी, ओके v स्क्वायर माइनस टू एम जी, एम अगर हम यहाँ पे नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टू जी ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट, हम यहाँ पे इस टाइप से कॉमन लेते हैं और ये g इससे कट हो जाएगा, यू कैन हेयर, ओके तो ये जो 2 है, ये 2 जब उधर जाएगा तो इस 2 से कैंसिल होगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो एक्चुअली हमारे पास में वी स्क्वायर की जो है वैल्यू है वो ये आएगी, और जब हम इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियस है m में कन्वर्ट हो जाएगा, m में चला जाएगा, तो यहां से आपके पास में जो r है, r दैट इज द r इज इक्वल टू m अपॉन रो, एंड देन वी स्क्वायर दैट इज द u स्क्वायर माइनस 2g y माइनस y नॉट, ओके प्लस ये हो जाएगा आगे एम जी cos of sine, cos of sine लिखते हैं या फिर आप dx by ds भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमको यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करना, हमको सिर्फ यहाँ से कंडीशन अप्लाई करनी है। अब ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास में, जो ये हमने फाइंड किया, दिस इज द रिएक्शन, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज दिस इज द डायरेक्टेड इन द नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन है, कंडीशन ये बनती है कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए, जैसे यहाँ पे इस कर्व पे नॉर्मल रिएक्शन है, अगर मैं कहूं कि हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का क्या मतलब है, अगर यहां से जैसे मैं आपको डायग्राम में अच्छे से समझाऊं, तो डायग्राम में आप देखें कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, इसको होल्ड करे हुए, इस पार्टिकल को इस स्मूथ कर्व में एक कह सकते हैं रास्ता, एक पथ जो है वो कौन दे रहा है, ये रिएक्शन दे रहा है, अगर ये रिएक्शन ही जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल कहां चला जाएगा, कर्व से बाहर चला जाएगा, इस कर्व की रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहेगा वो पार्टिकल, कर्व से बाहर चला जाएगा, इट मीन्स अगर मैं बात करूं यहां से जो आपका पार्टिकल है कर्व को छोड़ जाएगा, इफ R इज इक्वल टू जीरो, तो R इज इक्वल टू जीरो होने पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m ओवर रो, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस एम जी, जो हमने पहले लिखा है यही तो लिखा ना हमने, R को जीरो कर दिया बस और क्या किया, एम जी नॉट, दिस इज द टू जी, टू जी वाई माइनस वाई नॉट, ओके और क्या हो जाएगा प्लस साथ में एम जी कॉस ऑफ साइन हो जाएगा, ओके अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ एम, और ये आ जाएगा आपके पास में यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा माइनस टू जी वाई माइनस वाई नॉट प्लस ये हो जाएगा सॉरी इज इक्वल टू में इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ साइन, एम से एम कैंसिल हो जाएगा एंड देन वी कैन फाइंड यू स्क्वायर, यहां से हम यू स्क्वायर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ओके ये आ जाएगा आपके पास में u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर होगा, और इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे या फिर एक काम करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई माइनस वाई नॉट, और ये जब रो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा रो जी कॉस ऑफ साइन, और ये u की वैल्यू हमको फाइंड करना है, सो u दैट इज द, यहां से हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टू जी
वाई माइनस वाई नॉट माइनस ये हो जाएगा रो और ये हो जाएगा जी कॉस ऑफ साइन. ओके यू स्क्वायर रो जी कॉस ऑफ साइन, इस टाइप से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो ये जो आपके पास में फॉर्मूला आ रहा है ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, यू स्क्वायर का. अब अगर आपको यहां से वी स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड करना है तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट जो हमारे पास में वी स्क्वायर है ना, बिकॉज अपने को वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम वी स्क्वायर नहीं फाइंड किए वाली वैल्यू यानी कि इक्वेशन नंबर 4 का यूज करते हैं. बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फोर तो इक्वेशन 4 जो है उसमें क्या कह रहा है कि आर को अगर मैं जीरो करता हूं तो आर को हमने जीरो किया तो ये हो गया एम वी स्क्वायर ओवर रो और ये हो जाएगा प्लस एम जी कॉस ऑफ साइन. एंड देन यहाँ पे अगर मैं m को इधर लाऊंगा तो m कॉमन आके जीरो हो जाएगा एंड देन ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस रो g कॉस ऑफ साइन. ओके एंड यहाँ पे मैंने रो को भी एलसीएम लेके उधर सेंड कर दिया, इधर अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा एंड देन v स्क्वायर दैट इज द माइनस रो g कॉस ऑफ साइन. तो ये वेलोसिटी जब पार्टिकल को मिलेगी इट मीन्स r इज इक्वल टू जीरो, द पार्टिकल लीव्स द कर्व, द पार्टिकल लीव्स द कर्व, इस कर्व के पथ से वो पार्टिकल जो है वो हट जाएगा, पथ को छोड़ देगा. ओके तो ये था यहाँ पे हमने कि इसकी जो कंडीशन होती है कि पथ को कैसे छोड़ देता है जब हम आर को जीरो कर देते हैं तो वो इसकी कंडीशन आ जाती है. हमने यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में जब इसका एक्शन जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन का फॉर्मूला फाइंड किया, रिएक्शन को जीरो करते हैं इट मीन्स पथ जो है पार्टिकल जो है वो निकल जाता है यहाँ से, उसके बारे में पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया. आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर आया हुआ होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths.